कोरबा में फिर नदियों का सीना चीर कर रेत माफिया निकाल रहे रेत। रेत माफिया कथित संजय पटेल व वेद प्रकाश की गाड़ियां बालको क्षेत्र में बेधड़क फर्राटे मारती हुई नजर आ रही है। खनिज विभाग इस दौरान आखिरकार क्यों है मौन? खबर लगातार प्रकाशित होने के बाद भी खनिज विभाग हाथ पर हाथ रखकर बैठा हुआ है, मानो कोई इनके ये लोग रिश्तेदार लगते हों। आपको बता दें, वेद प्रकाश व संजय पटेल की कई गाड़ियां बालको के पुराना राखड़ बांध से कई ट्रैक्टर रोजाना रेत निकालकर बालको क्षेत्र में खपा रहे हैं। ये गोरख दिंदा एक दिन नहीं बल्कि सुबह से शाम तक निरंतर गाड़ियों के रूप में दौड़ता हुआ आपको नजर आ जाएगा। खाना पूर्ति के लिए एक से दो गाड़ियों पर कार्यवाही तो होती है, लेकिन दूसरे दिन वही गाड़ियां बालको क्षेत्र में दौड़ती हुई भी नजर आ जाती हैं। वही दो रेत माफिया हैं जिन्होंने बालको में उत्पात मचा रखा है। रोड को क्षतिग्रस्त कर बेधड़क अपनी गाड़ियां ये लोग दौड़वा रहे हैं, मानो इनको किसी का खौफ ना हो और सभी इनके रिश्तेदार लगते हों। वक्त रहते अगर इन पर लगाम नहीं लगाई गई तो इनके हौसले और बुलंद हो जाएंगे और बालको क्षेत्र में काफी हानि का सामना करना पड़ सकता है। देखिए कोरबा से राहुल गुप्ता की स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं राहुल गुप्ता, टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कि बालको क्षेत्र के ढेंगुनाल में अवैध उत्खनन इतना बढ़ गया कि खनिज विभाग और पुलिस प्रशासन का कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लगातार रेत की गाड़ियां निकल रही है, जैसे हम आपको दिखा रहे थे, जैसे दो गाड़ी शुरू में गई, एक गाड़ी अभी जा रही है, एक गाड़ी संजय पटेल बताई जा रही है, शुरू में जो दो गाड़ी चाहिए वो है वेद प्रकाश की। लगातार इन गाड़ियों पर जाने पर कार्रवाई क्यों नहीं होती प्रशासन की? क्यों नहीं देखता प्रशासन इन्हें? खनिज विभाग इस पर क्यों मौन है? खाना पूर्ति के लिए दो गाड़ियों पर कार्रवाई कर दी जाती है, उसके बाद धंधे से गाड़ियां रोड में खराटे मारती दौड़ती रहती है। कहाँ ले जाते कहा नाम बता जगह के? ढेलवाड़ी। ढेलवाड़ी चनवाड़ी टिकरा कैटी ला चुके हैं अभी? पहला तो गया था। काकर गाड़ी है? प्रेमलाल और प्रेमलाल चंद्रा का। कब चला था? गाड़ी से चालू कर रहा हूँ, पता नहीं पहले शायद कोई चलात रही से। कहा तो लाइसेंस है? नहीं है लाइसेंस। हो गए उम्र कदे, लेकिन लाइसेंस अभी ना नहीं बने है, दे हूँ बनवाए उन्हें। वेद प्रकाश क्या गाड़ी धोखा करा? अभी बालू बालू चल रहा है यही क्या? आपका नाम बताना। आप नाम? राकेश सिंह कंवर। राकेश जी, ये बताइए यहाँ क्या जगह है, कौन सी जगह है ये? ग्राम दोंदरो है। ग्राम दोंदरो, ग्राम पंचायत दोंदरो। यहाँ रेत की गाड़ी चलती है? कितनी गाड़ी चलती होगी? लगभग लगभग 30-40 गाड़ी चल जाती होगी। दिन भर चलती है गाड़ी? दिन भर चलती है।
दिन भर जी। कोई क्रेन में प्रॉब्लम आता है क्या खोदने के लिए? नहीं नहीं, सिर्फ ट्रैक्टर गाड़िया एकदम लेबर से। प्रशासन की कार्रवाई होती है यहाँ पर? गाड़िया होती है? कुछ नहीं होती, सिर्फ अवैध गाड़िया चलती है यहाँ पर। बिल्कुल जी। अब पता नहीं लोगों क्या सिस्टम है उधर से, हमको पता नहीं सर।